शांत चलो, हमारे आंदोलन क्यों आया? क्या हुआ? कौन था? क्या हुआ? क्या बात हो गई थी भाई? भाई ये जो बात हुई थी, क्या बात हुई थी? पैंट कमीज पा रखा आरएसएस वाले ने अपने बंदे बाढ़ दिए हैं भीतर, और सारे किसान पुत्रा तय निगरानी था भाई, जेब कतरे अड़ा रहे, शराबी अड़ा रहे। एक शराबी आकर ने दिल्ली की सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया तो मारा हथियार है किसान पुत्रों का, भैया कुछ तो जेल में चली गई, कुछ बाहर है, ये उसके ऊपर चढ़ने लग गया सोशल मीडिया वाले के ऊपर। वो पूर्ण पंडित ने सोशल मीडिया वाले बयानबाजी पूछ रहे थे, उनका तू इससे क्यों पूछ रहा, क्यों पूछ रहा? मैंने देखा, मगर बंदे में गड़बड़ लग गया, मैं एकदम उसके कान चलना गया, तेज स्पीड तो लिया इग्नू गया। जो करो आरएसएस वाले बड़े थे ना सिंगू बॉर्डर पर, कभी उन्होंने खालिस्तान के झंडे फाके, कभी उन्होंने आग लगाई, कभी उन्होंने चाकू मारे ट्रैक्टर में, कभी उन्होंने बेस बदल का पगड़ी बांध गए। वो काम आज ही शुरुआत कर दी इन्होंने। बात होगी थी जेपी जी कहाँ थे? वो तो जनमन क्वेश्चन कर रहे थे पूनम से। पूनम से जाना आप तो थे ना, जनमन क्वेश्चन कर रहे थे। एक बंदा पैंट कमीज पहने और उनका रहा, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, शहर से हूँ, वो जान बूझ करके बीजेपी वालों ने अपने दफ्तर से भेजा था भाई गड़बड़ कर दे। वो चार मीडिया वालों को चढ़ रहा था उनके ऊपर, वो बेचारे डर गए मीडिया वाले। जब उतर का मैंने पकड़ लगा तो चोर की दाढ़ी में तिनको बाज लिया। अगर बात भी करनी है तमीज से बात करो, सेंस में आकर ऐसे तो मिलेंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई, किसान पुत्र एक तो जेब को तरह था, सावधान रहो। दूसरी बात है, जो कोई ऐसा बंदा दिखाई दे जाए जिसने पैंट के नीचे कच्चा पार रखा हो, उन्हें तुरंत पकड़ के नेताओं से सौंप दो। ना कुछ कहना ना कुछ है, क्योंकि यार बदनाम। अरे भाई साहब, कल अखबारों में भी आओगी, पाकिस्तान तक फंडिंग शुरू होगी कुरुक्षेत्र में तो है, और कुछ भी। हम बदनाम हैं, हम बलात्कारी हमारे को बढ़ा दिया, बदनाम हम हो गए, आतंकवादी हम हो गए, खालिस्तानी हम हो गए, हम लोग सब कुछ कर दिया, और हम लोग चुपचाप हम अरे ये तो ऐसा डीएनए है जो दूसरे की बाण बेटी ने नू चुकन है सर पर पल्ला तरवा के नजीब आग गली करता रही बेटी बता ला रही रोज गाड़ी दे मारता। क्वेश्चन ही तो पूछ रहे थे वो पत्रकार। चलो बता दिया, हाँ क्वेश्चन पूछ रहे थे। आज जो ये रोड़ा है, जो एमएसपी की जो मांग है, आज कहाँ से शुरुआत सर? ये धर्म युद्ध है, यहाँ से महाभारत की कहाँ लड़ाई शुरू हुई थी, हमने तो देखी नहीं है। तो बात ये है कि हमारे माँ बाप जो भगवान है, उन्होंने कहा भाई यहाँ से शुरू हुआ था, और यहाँ से हमारी एमएसपी। अच्छा नू बताओ, तुम्हें नू बताओ, ये 75 आदमी सरदार जी, 75 आदमी 20,000 करोड़ रुपये लेकर भाज गए हमारे देश में। गुजरात मॉडल कभी पकड़े मोदी ने? मोदी ने कहा था मैं दाऊद ने पकड़ के ले आऊंगा, विपक्ष वाले ने जेल में डाल लूंगा, डालिया। दाऊद तो ब्रजभूष ने खास आदमी है, मेरी मैं नू कहना चाहता हूँ, 75 आदमी भाग चुके हैं मेरे देश से दूसरे देशों में, कोई 15,000 करोड़ लेकर, कोई 20,000 करोड़ लेकर, कोई 25,000 करोड़ लेकर, मतलब लाइन लग रही। और परले देशा से रिपोर्ट आवा कि देश के दूसरे नंबर पर है, देश के तीसरे नंबर पर है, पता लाग जाएगा 3 साल में ये किसान लेने लाइनों में खड़े हैं 15,000 करोड़। मार तक मैं नुकारा कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर, 4 तारीख वाला काम हो गया तो फिर आपकी किसी तैयारी है? अरे भाई साहब, ओ जगह मन से आवाज सुनो, मारे तो सिखाया अनुशासन में रहो, पुलिस वाले आवा तो ना लठाना ना कुछ खाने के लठे ये चाहते ही नहीं। देखिए सर, मारे जो किसान पुत्र हैं वो झुक जाएंगे, गांधीगिरी का काम करेंगे वो ठीक है, गांधीगिरी तो नहीं काम चले, भगत सिंह बनना पड़ेगा। भगत सिंह बन रहे तो ये लठ क्या था, ले रहे हैं भाई, और तवो लठ ठाया किसान आंदोलन का, और खड़ा नहीं है। ये देखिए इनका मोड़ना झगड़ा, इनका मोड़ना झगड़ा, सब फोड़ा नहीं लेंगे जो वो हमारे फोड़ेंगे ना उनके फोड़ेंगे। अगर किसानों के बीच में कोई शरारत करने की कोशिश करेगा उसका क्या किया जाएगा? उसको तुरंत जो संगठन का नेता है ना आस पास में, उसको पकड़वाओ, उसको मारना नहीं है ना कुछ कहना है, उसको पकड़वाओ। एक कमेटी बनने वाली है, अनुशासन कमेटी हमारी यहाँ पर, मेरे निकाय दिन चल रही तो 6 महीने भी चल सकन दो, दरिया बीच की तो पक्की। सब भाई सब मेरी बात सुनो, वैसे भी मरे पड़े, वैसे भी कटे पड़े मारे पाल, गांव सारे के गांव तो खर्ची हो जाए। 7 बजे तक तो फाइनल खुलवाना पड़ेगा, हमने खुलवा लेगा भाई। मानो तू बैठ है, तू ही बाजन है ना, लोकतंत्र है, राजतंत्र मत बनाओ। हमने मेरा संसद चौथी पास ने ऐसी बना दी जिसमें राजतंत्र लागू होगा। उन्होंने एक सा गोल सा डंडा फिट कर ना, मारा ही डोगा है, मारा चाचा दादा ले रहे हो या डोगा रखा, समझ गया? बस यही है, ये चीज है भैया। ये
टेस्ट कर लो ये टीएन है। जी आपका हमेशा योगदान रहा, कोई भी आंदोलन हो और आज कुरुक्षेत्र में भी आप हमेशा, चाहे करनाल से बसें लेकर के आने की बात हो, किसानों की आवाज उठाने की बात हो, पत्रकारों की बात हो, आप हमेशा खड़े रहते हो, ऐसा क्या है आपके अंदर? नस्ल हमारे दादा ने सिखाया है, जिंदगी में है ना राम राम कर दिया कर, अर्धा खेड़े की जय बोल दिया कर, इसके अलावा इस को कुछ नहीं है, इसलिए हम क्रांतिकारी जो अपनी खाट पे ना सारे ने बिठा लिया जातिवाद का, सारे का पूछ ले, आप बता देगा भाई हम ऐसे सही कह रहे हैं।